बाकी से कवर करेंगे। जिस सेशन में हम लोग कुछ कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे उसके बाद का टॉपिक पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इज ए नंबर सी सच दैट पी सी इज इक्वल टू जीरो। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पी एक्स जो है एक्स प्लस वन। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, एक्स का कोई भी वैल्यू जो x प्लस वन का वैल्यू जो है जीरो दे देगा। x की जगह पे हम लोग ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि जो x प्लस वन से इक्वेट करने पे जीरो दे देगा और उसे ही हम लोग उस पॉलिनोमियल के लिए उसका जीरो बोलेंगे। जैसे c जो है वो कोई भी टर्म है जो x प्लस वन का वैल्यू जो है जीरो दे देगा, इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं x प्लस वन का वैल्यू जो है जीरो, x इज इक्वल टू माइनस वन। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि माइनस वन p ऑफ माइनस वन जो है वो px के लिए जीरो हो जाएगा। इसमें p ऑफ x का वैल्यू जो है माइनस वन जब भी हम लोग पुट करेंगे तो वो पॉलिनोमियल के लिए जीरो पॉलिनोमियल होगा। इसी में हम लोग जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल देख सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है। अब हमें लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, इसके लिए हम लोग पी एक्स को जो है वो जीरो के इक्वल करते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। एक्स का वैल्यू जब माइनस बी बाय ए आ जाएगा तब हम लोग इसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। माइनस बी बाय ए जो है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए उसका जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंडिंग द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इन सब क्वेश्चंस में जो है पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू। जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग थ्री एक्स प्लस टू को जीरो के इक्वल पहले करेंगे, उसके बाद थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाय थ्री। x इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री जो है वो इसके लिए जीरो हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है, इसमें भी हम लोग x प्लस थ्री को जो है वो जीरो के इक्वल करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री जो है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री के लिए जीरो होगा। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस टू, इसमें भी हम लोग जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले पी एक्स को जीरो के इक्वल करेंगे और फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाय फोर इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर जो है वो पी एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस टू के लिए जीरो होगा। पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसमें क्या क्या हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल में वो देखेंगे। सबसे पहला है ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जो है ये जरूरी नहीं है कि वो जीरो ही हो, जीरो के अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जैसे माइनस वन वन टू और भी सारे नंबर हो सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वो जीरो ही होना चाहिए। सेकेंड है जीरो मे बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जो है वो जीरो भी हो सकता है। थर्ड में हम लोग देखेंगे एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो है केवल एक ही जीरो होगा, एक से अधिक जीरो जो है उसमें नहीं हो सकता है। फोर्थ है ए पॉलिनोमियल कैन हैव
मोर देन वन जीरो। कोई भी पॉलिनोमियल में जो है एक से अधिक जीरो भी हो सकता है। जैसे हम लोग क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी लेते हैं तो उसमें जो है एक से अधिक जीरो हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं जो है फाइंड पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन एंड पी ऑफ टू, फोर पी ऑफ टी इज इक्वल टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि p ऑफ t जो है एक पॉलिनोमियल है जो 2 प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू के फॉर्म में है। इसमें हम लोग को सबसे पहले p ऑफ 0 फाइंड करना है, उसके बाद p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये 0 जो है इस पॉलिनोमियल के लिए एक 0 है, और हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2 प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब का हम लोग को जीरो के इक्वल करना होता है। इसमें हम लोग टी की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो देखेंगे कि 2 प्लस जीरो प्लस टू इंटू जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू टू प्लस जीरो इज इक्वल टू टू आएगा। जब भी हम लोग इस पॉलिनोमियल में टी के जगह पे जीरो पुट करेंगे तो उसका सॉल्यूशन जो है वो टू आएगा। नेक्स्ट है टी के जगह पे हमें वन पुट करना है, वन पुट करके देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या आता है। टू प्लस वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब इज इक्वल टू टू प्लस वन थ्री प्लस टू इंटू वन टू माइनस वन। इसमें हम लोग देख सकते हैं फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर। इस पॉलिनोमियल के लिए टी इज इक्वल टू वन का वैल्यू जो है फोर आएगा। थर्ड में हमें टी के जगह पे टू पुट करना है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि टू पुट करने पे क्या सॉल्यूशन आएगा। टू प्लस टू प्लस टू इंटू टू का होल स्क्वायर माइनस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू टू प्लस टू फोर प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर फोर माइनस टू का क्यूब एट इज इक्वल टू फोर प्लस एट माइनस एट इज इक्वल टू फोर। फोर जो है टी इज इक्वल टू टू का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके का यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें पॉलिनोमियल दिया होगा और जीरोस का वैल्यू जो है दिया हुआ होगा। पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 5 को जो है हम लोग 3 से डिवाइड देने पर 2 जो है रिमाइंडर आए। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 2 जो है वो रिमाइंडर होगा, 1 जो है वो कोसेंट होगा, 5 जो है डिवाइडेंट होगा एंड 3 जो है वो डिविजर होगा। रिमाइंडर थ्योरम में बेसिकली होता क्या है, रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से जो है वो लेस ही होगा। रिमाइंडर जो है इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा। रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली होता क्या है, लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number if px is divided by the linear polynomial x minus a then the remainder is p of a। p of x जो है कोई भी polynomial है, में हम लोग p of x में degree जो है greater than or equal to 1 होगा। a जो है कोई भी रियल नंबर है, और जब हम लोग px को एक पॉलिलीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो p ऑफ a आएगा। इसको हम लोग बेटर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं जो है फाइंड रिमाइंडर। जब p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस
वन है। पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। इसे जो है एक्स माइनस वन जो एक लीनियर पॉलिनोमियल है इससे डिवाइड देना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहला स्टेप में फाइंड करते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द डिवाइजर। डिवाइजर का जो है सबसे पहले हम लोग जीरो फाइंड करते हैं। उसके लिए हम लोग देखेंगे, जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग पॉलिनोमियल को जैसे एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करते हैं, एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू। एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू जो है इसमें इसका जीरो का काम करेगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ जीरो ऑन द पीएक्स। पीएक्स में जो है हम लोग जीरो हम लोग का जो फाइंड होता है उसे पुट करते हैं और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पीएक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन है। अब हम लोग p ऑफ 1 बाई टू पुट करेंगे। जब 0 का वैल्यू पुट करते हैं तो 1 बाई टू का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1 बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 बाई टू प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई एट प्लस 3 बाई फोर प्लस 3 बाई टू प्लस 1। अब हम लोग इसका वैल्यू यहाँ करेंगे, p ऑफ 1 बाई टू इज इक्वल टू 27 बाय 8 होगा। 27 बाय 8 जो है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन का रिमाइंडर है। इसका रिमाइंडर ये हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे पॉलिनोमियल का जो है रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बेसिकली क्या होता है? इफ p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर देन, तब हम लोग सबसे पहला पॉइंट है x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 एंड p ऑफ a इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। px जो है एक पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, a जो है कोई भी रियल नंबर है, तब हम लोग सबसे पहले जो है x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। x माइनस a जो है वो px का एक फैक्टर हो जाएगा। कब होगा? जब p ऑफ a जो है वो 0 हो जाएगा। सेकेंड में हम लोग देख सकते हैं p ऑफ a इज इक्वल टू 0। p ऑफ a 0 तभी होगा जब x माइनस a जो है वो px का एक फैक्टर हो। इसे हम लोग फैक्टर थ्योरम को हम लोग बेटर तरीके से समझ सकते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करके, जो है डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px फॉर px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6 एंड gx इज इक्वल टू x माइनस 3। इसमें हमें डिटरमाइन करना है कि gx जो है, क्या gx जो है px का एक फैक्टर होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड द जीरो ऑफ gx। gx के लिए हम लोग जीरो फाइंड करेंगे, इसके लिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 जो है gx के लिए 0 होगा। सेकेंड स्टेप में पुट द वैल्यू ऑफ 0 इन px। px में जो है हम लोग 0 का वैल्यू पुट करेंगे। px बेसिकली क्या है? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। इसमें हम लोग जो है 0 का वैल्यू पुट करेंगे। 0 क्या आया है? x इज इक्वल टू 3। 3 जो है इस px के लिए 0 होगा। इसमें हम लोग 0 का वैल्यू पुट करेंगे, x का 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 27 माइनस 4 इंटू 9 प्लस 36 प्लस 9।
is equal to 36 minus 36 is equal to 0. इसमें हम लोग देख सकते हैं कि px का वैल्यू जो है वो 0 आ गया है, इसीलिए हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि gx जो है px का एक फैक्टर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। इसमें हम लोग फैक्टराइजिंग करेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करके हम लोग फैक्टराइज करेंगे। इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप जो फॉलो करते हैं वो है राइट द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है हम लोग सबसे पहले उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड में हम लोग फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी का जो है हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप में लिस्ट डाउन ऑल फैक्टर ऑफ ए सी इन पेयर, जितने भी सारे ए सी के फैक्टर है उनको हम लोग पेयर में लेंगे। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, p of x is equal to 12x square minus 7x plus 1। px जो है कोई पॉलिनोमियल है, px is equal to 12x square minus 7x plus 1। इसमें a is equal to 12, b is equal to minus 7, c is equal to 1 है। इसमें हम लोग सबसे पहला स्टेप जो है उसको पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड स्टेप प्रोडक्ट ऑफ ए सी फाइंड करेंगे। ए जो है 12 है और सी जो है 1, ए इंटू सी इज इक्वल टू 12 इंटू 1 होगा। थर्ड स्टेप में हम लोग लिस्ट डाउन ऑल फैक्टर ऑफ ए सी, 12 का हम लोग सारा फैक्टर फाइंड करेंगे। 12 का फैक्टर को हम लोग पेयर में लेंगे, 2 इंटू सी 3 इंटू 4 12 इंटू 1 एंड 1 इंटू 12 होता है। में हम लोग वैसा पेयर लेंगे जिसको या तो एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन करने पे b जो है वो आएगा। इसमें हम लोग जैसे देख सकते हैं कि b का वैल्यू जो है b इज इक्वल टू माइनस 7 है। इसमें हम लोग 12 का ऐसा फैक्टर लेंगे जिसे हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पे माइनस 7 आएगा। जब हम लोग पहला पेयर जो है 2 इंटू 6 इसको लेंगे तो हम लोग 2 प्लस 6 करेंगे तो 8 होगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 होगा, जो कि 7 के इक्वल नहीं है, इसीलिए हम लोग इस फैक्टर को नहीं ले सकते हैं। दूसरा पेयर हम लोग देखेंगे जो है 3 इंटू 4। जब हम लोग 3 प्लस 4 करेंगे तो इसका वैल्यू जो है 7 है। इसमें बस एक माइनस का कमी है, अगर हम लोग माइनस 3 माइनस 4 करेंगे तो वैल्यू जो है माइनस 7 आएगा। और हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग माइनस 3 इंटू माइनस 4 करेंगे तो इसका वैल्यू जो है 12 आएगा, जो एसी के इक्वल है। अब हम लोग इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ फैक्टराइज करते हैं। जैसे 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इसको हम लोग जैसे के वैसे ही लिखेंगे। और हम लोग जैसे कि माइनस 7 को माइनस 3x और माइनस 4x लिख सकते हैं, और 1 को जो है हम लोग एज इट इज रखेंगे। अब हम लोग इसमें 3x जो है कॉमन लेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि 3x कॉमन लेने पे 4x बचेगा और यहाँ जो है माइनस 1 बचेगा। इन दोनों में जब हम लोग माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 4x यहाँ पे 1 बचेगा। अब हम लोग इसको 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 लिख सकते हैं। ये दोनों जो है px इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का फैक्टर हो जाएगा। आज का टॉपिक इसी के साथ फिनिश होता है और थैंक यू।